इंसान का मशीनों के साथ चुम्मा चट्टी वाला सीन तो बहुत पहले से पकड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने कुछ नया निकालने की एक मतलब लॉन्च कर दी एक चीज, सैमसंग नियॉन। तो कैसे होगा आज की बात करेंगे सैमसंग नियॉन की। सैमसंग नियॉन बेसिकली एक ऐसी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है जो कि लॉन्च होगी 2020 के अंदर। ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा क्रेजी और बहुत ज़्यादा मतलब एक चेंज लाने वाली टेक्नोलॉजी है। इसमें बेसिकली होगा कुछ इस तरह कि जितने भी आपके ह्यूमन हैं, इंसान काम करें और साथ रोबोट काम करें, आप ये फ़र्क नहीं कर सकते कि ये इंसान है और ये रोबोट है, बट आप परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़्यादा फ़र्क कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ मानी जाती है कि रोबोट हमेशा या एक एआई जो है वो किसी रोबोट में है तो और एक इंसान में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है, उसकी एक्यूरेसी में, परफॉर्मेंस में, टाइम में, सब कुछ देखा जाता है कि इंसान से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। ऑब्वियसली उनके अंदर मोशन नहीं होते हैं, वो उनका पावर चाहिए, इंसान के अंदर मोशन होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। सो यहाँ पर सैमसंग नियॉन एक ऐसी ही चीज़ है जो आप इंसानों में और रोबोटिक में फ़र्क नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर कुछ क्लिप्स भी दे सकते हैं कि आपको यहाँ पर मतलब पता नहीं चल रहा कि इसमें इंसान कौन सा है, जो कि इनकी तरफ से पिक्चर्स लॉन्च किए हैं और कुछ रोबोट हैं जो कि पता नहीं चल रहा। सो ये ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली एक बात भी आती है कि अगर परफॉर्मेंस वाइज तो देखा जाए, एक्यूरेसी वाइज देखा जाए, टाइम वाइज देखा जाए, तो फिर यहाँ पर अगर देखा जाए इकोनॉमी वाइज या जॉब वाइज, तो यहाँ पर एक चीज़ होगी कि यहाँ पर जब इंसान की जगह रोबोट काम करेंगे तो इंसान की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो जाएंगी। ये एक मतलब एक कौन से इसके अंदर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले कहा जाता था कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, अब कहा जाता है राइट रोबोट फॉर राइट जॉब। तो ये एक नया सीन चलेगा। तो यहाँ पर मैं दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करता था जो सैमसंग की तरफ से लॉन्च करदा हो चुकी है और ये आप ले सकते हो, अगर आप कुछ कंट्रीज में मंगवा सकते हो। सैमसंग बॉल रोबोटिक्स जो टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली आपका पपी कुत्ता है, ये आपका वो चूमा चट्टी वाला कुत्ता नहीं है, ये पपी है जो आपकी हर चीज़ का ख्याल रखेगा। आपने क्या करना है, कब क्या करना है, आप सब कुछ पहले सेट कर दोगे, आपके पीछे पीछे आपका असिस्टेंट पप्पी रोबोटिक जो होगा जो आपके साथ रहेगा। ये बेसिकली एक आप इसमें घर में जहाँ पे मर्जी आप रखना चाहिए रख सकते हैं, और उसलिए ये बहुत छोटे साइज़ के अंदर है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इसकी मसला सिर्फ इसमें यही है कि ये आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको ये नहीं है कि जैसे इंसान बहुत ज़्यादा वर्किंग में आके बहुत सारी चीज़ें बोल जाता है, ये आपके लिए रिमाइंडर भी होता है, आपको हर चीज़ रिमाइंड करता है, सुबह उठाने से लेके अगर मैं सफाई करने से लेके कुछ भी मतलब करना हो तो ये आपके लिए, आप इसको सेट कर देगा पहले कि कब क्या करना है, तो उस लिए आपके लिए करेगा चाहे कुछ भी हो, और अपने आप को मतलब चार्ज भी खुद करेगा, सोएगा भी खुद ही, मतलब जो भी करना है वो खुद ही सब कुछ करेगा। तो यहाँ पर एक नई चीज़ है ये वाली, मतलब एक ये वैसे कुछ कंट्रीज़ के अंदर लॉन्च कर दी गई है और मे बी अगर आप लेना चाहें तो इसको ले मंगवा सकते हैं, बट जो सैमसंग नियॉन है ये टेक्नोलॉजी 2020 के अंदर आ जाएगी। एक बहुत ज़्यादा चेंज है, मतलब एक सोसाइटीज़ के अंदर बहुत टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड वाइड चेंज आने वाला है 2020 के अंदर। टेक्नोलॉजी बहुत पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा खुल के सामने आ रही है। तो जैसे रोबोटिक्स क्लीनर आई थे, लेकिन रोबोटिक क्लीनर तो बहुत तब बहुत ज़्यादा बात की थी कि रोबोटिक क्लीनर मतलब आपको सफाई नहीं करनी पड़े, लेकिन अब तो रोबोटिक क्लीनर बड़े बड़े आ गए हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर आपने देखे होंगे जो खुद ही सफाई करती हैं और सब कुछ मतलब। तो एक नया मतलब चेंज है, पहले तो ये सैमसंग की तरफ से ये कहा जाता था कि वो मोबाइल बनाते हैं इंसानों के लिए, अब इंसान बनाएंगे मोबाइलों के लिए, जैसे सैमसंग नियो जो सैमसंग नियॉन एक टेक्नोलॉजी आ रही है AI, तो मे भी एक नया। लेकिन फिर भी यार कुछ ना कुछ कॉन्स ज़रूर होते हैं चीज़ के पीछे, अगर जितना मर्जी परफेक्टली काम करे कॉन्स लाजमी छोड़ती हैं चीज़ें। तो बस आज के लिए बस नहीं, ये थी कुछ टेक्नोलॉजी अपडेट्स जो कि 20 में आ जाएंगी, 2020 में आ जाएंगी। और चैनल को मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया वो चेक कर लो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक लाजमी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लिया आपने, और बेल को भी लाजमी चेक कर लेना, नहीं तो आप मेरी बहुत सारी वीडियो मिस कर जाएंगे। मैं बहुत सारी अपडेटेड वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ, टेक्नोलॉजीज़ की बहुत सारी मतलब जो भी आप डिमांड करते हैं वो भी लेके आता हूँ। अपनी फीडबैक लाजमी देंगे आप मुझे, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त सुहेब, मिलता हूँ अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।